आज रोज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं सीगवर मामलतदार मार्फते मुख्यमंत्रीश्री ने आवेदन पत्र आप्यो। तेमा जणाव्यु हतुं के सीगवर तालुकानी 106 प्राथमिक शाळा अने 26 माध्यमिक शाळाना 35,000 थी वधारे विद्यार्थीओ वर्ष 2022-23 नी शिष्यवृत्ति थी दाहोद जिला शिक्षण विभाग वहीवटी तंत्रनी निष्कालजीना कारणे वंचित रहेवानो वारो आवे एम छे। सीगवर तालुकाना प्राथमिक शिक्षण विभागना माध्यमिक शाळाना संख्याबंध आचार्यो तथा वहीवटीकर्ताओ कर्मचारी द्वारा वारंवार लेखित तेमज मौखिक रजूआतो करवा छतां बाळको शिष्यवृत्ति थी वंचित छे। दाहोद जिल्लानी शिक्षण विभागनी बेदरकारीना कारणे सीगवर तालुकाना डायवर्जन कोडपन सरकारना शिक्षण विभाग द्वारा आपवामां आव्या छे। शाळाओने ऑनलाइन करवानी कामगीरी साथे शाळाना शिक्षकोनी हाजरी, शाळामां अभ्यास करता बाळकोनी हाजरी, मध्यान भोजन कामगीरी वगैरे विशेष कामगीरी करवा माटे डायवर्जन कोड आपवामां आव्या छे। डिजिटल गुजरात शाळा शिष्यवृत्ति पोर्टल छेल्ला घणा समयथी बंद हालतमां होय। तालुकानी दरेक प्राथमिक अने माध्यमिक शाळाओ पोर्टल करी लॉगिन करता अनवेडिड स्कूल मेसेज आवे छे, त्यारे तात्कालिक धोरणे आ पोर्टल चालू करी तमाम विद्यार्थीओने शिष्यवृत्ति आपवा आवे तेवी मांग करी छे। दाहोद लोकसभाना संयुक्त सचिव रमसुमभाई हटीलाए जणाव्यु हतुं के आवनार 10 दिवसमां आ कामगीरी नहीं थाय तो आम आदमी पार्टी गुजरात गांधी चित्या मार्ग आंदोलन करशे। अने लीमखेड़ा विधानसभा संगठन मंत्री शैलेषभाई हटीलाए जणाव्यु हतुं के विद्यार्थीओना हितमां आंदोलन करीशुं। अने लीमखेड़ा विधानसभा संगठन मंत्री विपुलभाई डामोरे जणाव्यु हतुं के शिक्षण क्षेत्रे फक्त आप ज क्रांति लावी शके छे। अने आम आदमी पार्टी गुजरात राज्य सचिव जयेश संगाड़ाए जणाव्यु के दाहोद लोकसभा सांसद श्री रेलवे मिनिस्टर ने रजूआत करी आजथी कोचनी मांगणी करी शके तो पोताना गाम तालुकाना 35,000 थी विद्यार्थीओने शिष्यवृत्ति केम नहीं करी शकावता। अने आम आदमी पार्टी गुजरात राज्य सचिव जयेश संगाड़ाए जणाव्यु हतुं के दाहोद लोकसभा सांसद श्री रेलवे मिनिस्टर ने रजूआत करी आजथी कोचनी मांगणी करी शके तो पोताना गाम तालुकाना 35,000 विद्यार्थीओने शिष्यवृत्ति केम नथी करावी शकता। रिपोर्टर विक्रम दामोर, BN News, गुजराती।